नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। रूपबाग उपखंड के गांव खेरिया जाट के पास अज्ञात कारणों से सड़क किनारे रखे ईंधन में अचानक आग लग गई। आगजनी की सूचना मिलते ही नगरपालिका की टीम दमकल मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने मौके पर आग पर काबू पा लिया, तभी अचानक दमकल कर्मियों को घटना स्थल पर अर्धजली व्यक्ति की लाश मिली। इसके बाद तुरंत दमकल कर्मियों ने घटना की सूचना रूपबाग पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही रूपबाग थाना अधिकारी रामनाथ गुजर में जापदा घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंच अज्ञात व्यक्ति के अर्धजले शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए रूपबाग सीएचसी की मंसूरी में रखवा दिया है। भरतपुर से आई एसएफएल टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। ये गाँव में गाँव के बाहर आग लगी हुई है जलाने के लकड़ी वगैरह में। सूचना पर डीओ अधिकारी को भेजा गया था और दमकल को सूचना दी गई थी। दमकल ने आग बुझाने के बाद पता चला कि वहाँ पर एक डेड बॉडी अभी जली हुई मिली है, तो डेड बॉडी उसी आग कूड़ों में जली हुई। इस संबंध में एफएसएल टीम को बुला करके नई जांच करवाई गई और सब प्रकार के सबूतों के साथ उसको देखा जा रहा है और प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि इसको यहाँ ला करके। भरतपुर से सतीश सारस्वत की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।